नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे गठजोड़ की भी राजनीति गर्माने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के समक्ष आज बसपा के जिला पंचायत सदस्य हेमंत चाहर, भोला चाहर सहित कई ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ साथ आपको बता दें, कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर भाजपा को लाना जरूरी है। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से भाजपा के द्वारा प्रत्याशी बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे जो भाजपा ने नई जिम्मेदारी दी है, मैं उनका पूर्ण निर्वहन करूँगी और आज मेरे समर्थन में आज यहाँ कई जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ साथ ग्राम प्रधान सदस्यों ने भी यहाँ आज मेरे समर्थन में भाजपा की सदस्यता ली है। इससे मुझे लग रहा है कि अब हमारी जीत निश्चित है और हम आगरा की नौ विधानसभा सीटें जीत रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या बोली बेबी रानी मौर्य। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब आज मेरे आवास पर आए हैं और मैं ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से। उस भारतीय जनता पार्टी में हमारे कुछ जिला पंचायत सदस्य हैं और किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एस के सिंह हैं। आप का नाम है? हेमंत चाहर हैं। ये बसपा छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुरारी लाल और भोले चौधरी ये भी बसपा छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इन सबका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे। आप तीनों लोगों का, चारों लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एजेंडा रहेगा मैडम, आप 2022 में चुनाव आ चुके हैं, क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो हमारा विकास का ही है, मैं कल से यही बोल रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने जो कार्य किए हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उसी कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। ग्रामीण में किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा यही मुद्दा रहेगा, इसमें किसान और जोड़ दीजिए क्योंकि ग्रामीण विधानसभा है, तो हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इनका कैसे हम अधिक से अधिक उन्नति कर पाएँ, इनके विकास की और योजनाएं बनाएं, इसके लिए हम ग्रामीणों का कहना है कि इस बार भाजपा सरकार को हम नहीं लेके आएंगे क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना किया ग्रामीणों ने। जो विधायक हैं, देखिए काफ़ी उनसे लोग परेशान थे, ये भी बार जीतने के बाद क्षेत्र में न्याय विधायक कोई बात नहीं, उनसे रह गए होंगे कुछ कार्य, लेकिन हम उन कार्यों को पूरा करेंगे। और ग्रामीण के आप देख रहे हो, कल से मेरे आवास पे टोली की टोली बना के मुझे बधाई देने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार और बम्पर जीतों से ग्रामीण सीट हम जीतेंगे। तो हम उन अपने कार्यकर्ताओं की उसी विश्वास, उसी निष्ठा, उसी मेहनत के आधार पर ग्रामीण विधानसभा को जीतेंगे। मैम, जिस क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र से आप इलेक्शन लड़ने जा रही है, वहाँ पर हेमलता दिवाकर जी की लापता के पोस्टर लगाए गए, इसके बारे में आप क्या कहना? भैया वो अपने घर पर हैं, कहीं लापता नहीं है, ये तो ऐसे ही आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी कार्यकर्ता है, ग्रामीणों ने बोला है, आरतियां निकाली हैं, विधायक की आरतियां निकाली, तो अभी तो वो घर पर है ना, तो बस। और एक आप एक राज्यपाल के पद पर थे, अब एक छोटे से विधानसभा के इलेक्शन लड़ने हैं, तो इसके बारे में क्या? देखिए, राज्यपाल भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगी और आज वही मैं निभा रही हूँ। मैडम, ये कुछ लोग बसपा छोड़ के आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है ताकत मजबूत और होगी क्या? अरे मजबूत नहीं होंगे, इतने मजबूत लोग बैठे हैं मेरे साथ, तो बिल्कुल मजबूत होंगे। कितनी सीटों से बीजेपी होने की क्या है?
सीटें मैडम आप लेके आओगे? पूरी आगरा की नौ विधानसभा जीते हम जीतेंगे। और बीजेपी से तो किसान भी बहुत नाराज है, किसी कानून को देखते हुए कोई किसान नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। वो जो टीम थी किसानों की जिन्होंने ये उपद्रव मचाया था दिल्ली के अंदर टिकैत की, असली किसान जो है कोई नाराज नहीं है, सभी किसान सपोर्ट में है बीजेपी के। हर किसान यही कहता है बीजेपी ने जो काम किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। आज हर किसान के खाते में 2,000-4,000 रुपए टूट रहे हैं, किसी सरकार ने इससे पहले कभी किया? कर्जा माफी हो रही है कभी हुआ? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जो अपोजिशन वाले कुछ हैं, कांग्रेसी कुछ भी कह सकते हैं आप, उन लोगों ने जो टिकैत की ये फौज बना के इसको कराया था, तो दूसरे के एलिगेशन को हम अपने ऊपर नहीं लेंगे। हम पहले भी बीजेपी के साथ थे, आज भी बीजेपी के साथ। धनौली विधानसभा आती है, ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, करीब 100 दिन से वो धरना भी दे रहे हैं। अरे भैया उनका धरना खत्म हो गया, उनका नाला भी खुद गया, अब वो बस अब ये चुनाव हो जाएगा उसके बाद उनका नाला बनवाया जाएगा, कार्य शुरू हो जाएगा। मेरा नाम हेमंत सिंह चार है, मैं वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के जिला पंचायत बनाया। मेरा जो बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे जो प्रश्न जो आपने पूछा है, तो उसमें एक ये क्योंकि चुनावी समर है और ये आस्था का विषय होता है, तो जितनी मेरी पार्टी में जैसे जो मेरे वहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, जो मेरे जनता है, उनकी उस पर कि भाई हम लोगों के लिए एक अवसर हमें मिला है कि आगरा ग्रामीण से हमारी माननीय मैडम को टिकट दे करके ये हमारी पूरी आगरा ग्रामीण की जनता को सुशोभित किया है पार्टी ने, तो आपके अंदर आस्था रखते हुए हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है और पूरे दमखम के साथ हम आपको चुनाव लड़ा करके विजयी बना करके लेके आएंगे। मैं भोले चौधरी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 20 से बसपा से था। कुछ क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विकास धारा विचारधारा को देखते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन की है। इसी वजह से क्षेत्र में जो विकास के लिए लोगों ने हमसे उपेक्षाएँ रखी हैं उन पर अभी हम खड़ा नहीं उतर पा रहे थे, तो इस वजह से सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज हमने बीजेपी ज्वाइन की है। और मैडम जी को प्रत्याशी ग्रामीण से बनाया गया है, उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत आभार। और हमारे मैम जो है अभी जो ग्रामीण में विकास नहीं हुआ था उसको पूरा करेंगी, इसी वजह से मैडम के साथ हमने आज बीजेपी ज्वाइन की है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही हर पार्टी अपनी जीम के लिए दमखम दिखाती नजर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त मौजूद हैं हम पूर्व मेयर एवं पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जिनको भाजपा ने आगरा ग्रामीण से जिम्मेदारी दी है। आज उनके नेतृत्व में दो जिला पंचायत सदस्य, कई ग्राम प्रधान और बीडी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सदस्यता ली है। उनका दावा है कि इस बार भाजपा आगरा में 9 की 9 सीटें जीतेगी, इसके साथ साथ ग्रामीण में जो विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा कराएंगे और बम्पर जीत होगी। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।